हेलो गाइस, हम लोग रिएक्ट टीडक्स सीख रहे थे और ये इसका थर्ड पार्ट है। और पिछले पार्ट में हम लोग एक्शन क्रिएटर और रिडक्स थंग का यूज़ करना सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल रिड्यूसर और मल्टीपल एक्शन क्रिएटर के साथ हम लोग काम कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। और तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले हम लोग मल्टीपल रिड्यूसर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल रिड्यूसर को कंबाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं अपने इंडेक्स डॉट जे एस में और यहाँ पे हम लोग कंबाइन रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेते हैं। कंबाइन रिड्यूसर, अच्छा फ़िलहाल तो हम लोग एक ही रिड्यूसर को लेके काम कर रहे हैं ना। ये जो नंबर है, एक नंबर और एक नंबर रिड्यूसर था। अगर आप देखोगे रिड्यूसर में, देखो एक नाम था और एक रिड्यूसर बोल रहे हैं, मतलब जो हम लोग का स्टेट था। मल्टीपल स्टेट हम लोग यूज़ करेंगे ना यहाँ पे। हम लोग तो फिलहाल तो एक ही स्टेट यूज़ कर रहे थे ये नाम का। अच्छा, तो खैर जो भी, हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं। कॉम्बाइन रिड्यूसर है तो फिलहाल हम लोग एक स्टेट के लिए एक ही रिड्यूसर यूज़ कर रहे हैं। जैसे इस नाम के, मतलब ये नाम के लिए हम लोग इस स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग और एक स्टेट है जो कि आपका ये नाम्स के लिए। अच्छा, तो पहले तो मैं एक स्टेट बना लेता हूँ और एक रिड्यूसर बना लेता हूँ। तो मैं इसका लिए एक फ़ाइल बनाता हूँ। इसके लिए फ़ाइल जो बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ नंबर्स रिड्यूसर डॉट जेस। ओके, कॉपी कर लेता हूँ इसको। और अच्छा, तो नाम को कॉपी करके रखता हूँ। और फिलहाल क्या है कि ये जो है अपना सिंगल रिड्यूसर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ऑब्वियसली नाम चेंज करेंगे इसका, इसका रिड्यूसर के जगह नंबर रिड्यूसर यहाँ पे कर देंगे। अच्छा, ये दो ऊपर की चीज़ डिलीट कर देते हैं। अच्छा, हम लोग नंबर रिड्यूसर एक बना लिए है, नंबर्स के लिए एक अलग से रिड्यूसर बना लिए है। अच्छा, फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ठीक से सुनना। देखो ये जो रिड्यूसर है, ठीक है, जो हम लोग एक स्टेट है जो अलग अलग रिड्यूसर की मदद से कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट तो रिटर्न कर रहे हैं ना। ये अगर आप देखोगे, ये अपना जो स्टेट है, स्टेट कहाँ पे कर रहे हैं रिटर्न, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेट ही रिटर्न कर रहे हैं ना। तो यहाँ हम लोग अलग अलग रिड्यूसर यूज़ जब कर रहे हैं तो हम लोगों को इसको स्टेट में वैल्यू नहीं देना होगा। ओके, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये नंबर के लिए हम लोग ये रिड्यूसर डॉट जे एस यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसको हटा के जो इनिशियल वैल्यू दिए हैं यहाँ पे ऐसे जस्ट कोट, मतलब एक एम्प्टी एम्प्टी एरे दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट पास नहीं करना होगा, तो इसके लिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको और इसको भी डिलीट करता हूँ। अच्छा, और उसके बाद इसको मैं डिलीट करके सिर्फ ये एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, इसको सेव करते हैं। अच्छा, और ये जो हम लोगों का नंबर रिड्यूसर है, यहाँ पे भी हम लोग एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे कि ये जो इनिशियल वैल्यू है, ये यहाँ पे इसको इनिशियल वैल्यू में हम लोग एक सिंपल एरे पास कर देंगे और यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ स्टेट को रिटर्न करेंगे। ओके, वेरी सिंपल। तो इसको मैं अभी फिलहाल सेव करता हूँ। और पहले तो जो नया रिड्यूसर मैं बनाया हूँ अपना नंबर्स के लिए, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो क्या था अपना नंबर रिड्यूसर्स, तो रिड्यूसर स्लैश नंबर रिड्यूसर, और यहाँ से अपना नंबर रिड्यूसर को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, तो अब ये कॉम्बाइन रिड्यूसर जो है, तो क्या है, अभी हम लोगों का सारा जो रिड्यूसर है उन लोगों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए एक काम करते हैं, पहले तो मैं कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम देंगे ऑल रिड्यूसर, ऑल री, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो।
रिड्यूसर्स, ओके, और रिड्यूसर्स इज इक्वल टू होगा हम लोग कॉम्बाइन रिड्यूसर होगा, और कॉम्बाइन रिड्यूसर में हम लोग अपना जितना सारे रिड्यूसर है उन लोग हम लोग कंबाइन कर देंगे। अच्छा पहले तो देखो हम लोग को जो स्टेट है, स्टेट में क्या क्या चीज़ था, दो चीज़ था, एक था नाम था और ये नाम्स था। तो पहले ये नाम के लिए तो हम लोग अपना जो पहले से रिड्यूसर बना के रखे थे, ये जो रिड्यूसर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ, ये यहाँ पे इंपोर्ट भी किया हूँ ना मैंने, तो यहाँ पे इसको दे देता हूँ। और नंबर्स के लिए एक था, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो नंबर्स, नंबर्स के लिए ये जो हम लोग नंबर रिड्यूसर बनाया हूँ, तो नम्स के लिए होगा क्या, ये अपना नंबर रिड्यूसर, ओके, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी क्या करना होगा, अभी ये जो चीज़ है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस रिड्यूसर के बदले ऑल रिड्यूसर का यूज़ कर लेंगे। अच्छा और एक चीज़ है कि देखो हम लोग पहले क्या करते थे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करते थे ना, लेकिन यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ पास ही नहीं किए, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अगर आप रिड्यूसर के अंदर जाओ तो यहाँ पे देखो हम लोग ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना पास, तो ये जो हम लोगों का कहाँ गया इंडेक्स डॉट जेस, अच्छा तो ये जो यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट पास कर दी। चलो इसको मैं थोड़ा एक ही लाइन में कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको भी पेस्ट करता हूँ, और इसको सेव करता हूँ, ओके। अच्छा ऑल रिड्यूसर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो हम लोग ऑल रिड्यूसर देना है, यहाँ पे मैं नंबर रिड्यूसर दे दिया हूँ। अच्छा ऑल रिड्यूसर, और यहाँ पे गया, अच्छा मैं चेक करता हूँ क्या बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट जेएस में कुछ प्रॉब्लम है, इंपोर्ट ऑफ बॉडी मॉड्यूल, क्या किया, कम्बाइन रिड्यूसर, कम्बाइन रिड्यूसर इज इक्वल टू नम्स, नंबर्स रिड्यूसर्स, ओके, नंबर रिड्यूसर। अच्छा तो गलती क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑल रिड्यूसर इज इक्वल टू कम्बाइन रिड्यूसर, ये जो कम्बाइन रिड्यूसर है उसके अंदर एरे में नम एंड नम्स, ओके। अच्छा तो क्या एरर क्या आ रहा है, बॉडी इंपोर्ट टू फर्स्ट, अच्छा वो अच्छा है, रिडेक्ट इसको इंपोर्ट वाला को बोल रहा है कि आगे कर लो थोड़ा, अच्छा तो इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ अब, ठीक है, ओके। तो देखो अभी फिलहाल ठीक ठाक काम कर रहा है, और अगर आप तो अपना स्टेट को भी चेक करोगे यहाँ पे जाके, आई थिंक सारी स्टेट अब लोग का इंटैक्ट रहेगा। सो इसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ और स्टेट देखता हूँ, अच्छा स्टेट चेक करके देखा 51 to 4, ओके। सो सब कुछ सही है। अच्छा तो हम लोग मल्टीपल रिड्यूसर यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। अच्छा अभी हम लोग को जो ये नंबर्स के लिए है, नंबर्स के लिए भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो ये नंबर्स का सारा सारा वैल्यू हम लोग इन ऐप डॉट जे एस में प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग उसके लिए प्रॉप्स बना चुका हूँ, तो ये आवर प्रॉप्स बोल के है। अच्छा तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ, एस टी कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ ऑल नम्स, ओके, व्हिच इज इक्वल टू प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट आवर नम्स, और ये जो कि एक हम लोग का एरे है, तो एरे क्या रिटर्न करेगा,
तो एरो को अपना एरे को लूप करना पड़ेगा ना, तो एरे डॉट मैप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख लिखूँगा मैं सिंगल नम। अच्छा, जो कि एक एरे फंक्शन है, और इसके अंदर क्या रिटर्न करेगा, RETURN क्या रिटर्न करेगा हम लोग को, सिंपली li रिटर्न करेगा। ओके, li के अंदर हम लोगों को क्या रिटर्न, ये जो सिंगल नाम है, सिंगल नाम को हम लोग को प्रिंट कराना है। तो चलो सिंगल नाम को हम लोग प्रिंट करा देते हैं, और ये एक एरे में आएगा, तो क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे की डालना होगा, की। ओके सॉरी, की डालना होगा, तो हम लोग यहाँ पे की ये डाल देंगे इसी को, और अभी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ही यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, और इसको सेव करता हूँ। अच्छा, अभी देखे होगे तो 1, 2, 4 जो हम लोग का स्टेट है वो हम लोग का आ रहा है यहाँ। ओके, अच्छा तो सही है। तो अभी हम लोगों को जो अभी चीज़ बाकी रहेगा वो हम लोग इसको डिस्पैच करना है कि नहीं, तो चलो डिस्पैच कर देते हैं इसको। ओके, सो इसको इसके लिए तो एक प्रॉप्स बना ही चुका हूँ मैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल डी करके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसको चेंज करके सम नंबर्स कर देता हूँ, सम नंबर्स। ओके, और यहाँ पे इसके जगह ये हम लोग जो एक्शन क्रिएटर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसका नाम मैं लिख देता हूँ, नंबर्स एक्शन क्रिएटर, नंबर्स एक्शन। ओके, अच्छा तो ये हम लोग का एक्शन क्रिएटर यहाँ पे था, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ नंबर एक्शन बोल के, नंबर्स एक्शन डॉट जेएस। अच्छा, हम लोग का पहले तो एक्शन क्रिएटर था, तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, कहाँ गए हम लोग का नंबर एक्शंस। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसका नाम हम लोग अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग नंबर्स पास करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे तो ये सब नहीं होगा कुछ, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ये सब तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे जस्ट ओके या डिस्पैच। सो अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डिस्पैच तो करेंगे ही। अच्छा, तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या रहे, कौन सा चीज़ जाएगा, ये सम नंबर ही जाएगा ना यहाँ, जो हम लोग का डिस्पैच करेंगे यहाँ से, सम नंबर। अच्छा, और यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा हम लोग को, इसको भी हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और सिंपली ये डिस्पैच कर देगा। ओके, डिस्पैच, डिस्पैच में रिटर्न करेगा हम लोगों का क्या। अच्छा, मैं यहाँ भी इसको भी उड़ा दिया हूँ क्या। अच्छा, डिस्पैच करेगा क्या, टाइप, और टाइप हम लोग को यहाँ पे चेंज करना होगा, तो टाइप में चेंज करके क्या करता हूँ, चेंज नम्स, और पेलोड में ये भेजता हूँ। ठीक है, अच्छा तो चलो इसको मैं सेव करता हूँ, और एप डॉट जे एस में इसको हम लोग इम्पोर्ट करना होगा हम लोगों को। तो ये देखो, हम लोग पहला का जो एक्शन हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट किए थे, यहाँ पे ये वाला एक्शन हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। ओके,
अच्छा क्या है, क्या बोल रहे हैं कि डिस्पैच इट्स नॉट डिफाइन और नंबर्स डॉट चेस। क्या हुआ, डिस्पैच इट्स नॉट डिफाइन कॉन्स्टेंट एक्सपोर्ट सम नंबर डिस्पैच। सही तो हो रहा है, डिस्पैच इज नॉट डिफाइन। ओ अच्छा, ये तो एक एरो फंक्शन रिटर्न करेगा ना। तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे ये डिस्पैच को इनिशिएट कर देता हूँ और यहाँ पे ये, अच्छा डुप्लीकेट की चेंज नम्स। अच्छा डुप्लीकेट की कहाँ पे हो रहा है, अच्छा हाँ सही तो बोला, यहाँ पे इसको चेंज करना होगा, चेंज नम्स। अच्छा अभी आई थिंक सब कुछ सही है। ओके सो मैं स्टेट को एक बार चेक कर लेता हूँ, ये देखो। अच्छा इसके अभी चेंज का फंक्शन हम लोग नहीं लगाए हैं, तो चलो वो भी लगा देते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐप डॉट जे एस में जाते हैं। ऐप डॉट जे एस में जाने के बाद यहाँ पे और एक बटन क्रिएट कर देते हैं, बटन बटन क्रिएट कर देते हैं। अच्छा बटन के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे, ऑन क्लिक। अच्छा ऑन क्लिक जब होगा तब ये हम लोग एक फंक्शन रन करेगा जो कि हम लोग का प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है, प्रॉप्स के थ्रू भेज रहे हैं ना, चेंज नाम्स बोल के, ये वाला, ये चेंज नाम्स। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट चेंज नम्स। अच्छा अभी यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू देना है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं एक्चुअली। तो मान लो मैं लिखता हूँ 66 77 88, बस टेस्ट करने के लिए। और इसको हम लोग बंद करेंगे और यहाँ पे इस बटन का नाम मान लो मैं दे देता हूँ चेंज नंबर्स। ओके ओके अभी चलो देखते हैं कैसे काम कर रहा है कि नहीं। ये एक्शन ये हो गया, ये इसको चेंज करते हैं। नोप चेंज नहीं हो रहा है, चेंज तो ये तो सेम ही रह रहा है ना, चेंज नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ से नंबर पास किए, सम नंबर्स, ये सम नंबर्स यहाँ पे पास किया हूँ। अच्छा मेन तो हम लोग का यहाँ पे इसको चेंज ही नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या करना होगा हम लोगों को, जो नंबर्स एक्शन है और उसके बाद नंबर जो रिड्यूसर है, यहाँ पे देखो हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे हैं ना इसको, तो यहाँ पे सेम लिखना होगा ना कि इफ़ इफ़ एक्शन डॉट क्या टाइप, टाइप भेज रहे हैं ना यहाँ से, टाइप ये टाइप और पेलोड भेज रहे हैं ना, तो टाइप इज इक्वल टू क्या जो नंबर्स के लिए के थे, चेंज नम्स। ओके तो चेंज नम्स अगर जब होगा तब हम लोग क्या करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे बोलो, ये एक्शन डॉट पेलोड। ओके चलो अभी देखते हैं। अच्छा ये बोल रहा है कुछ नेवर यूज्ड का कुछ बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है। अब देखते हैं क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन इंस्टेट। अच्छा एक्शन डॉट टाइप, अच्छा नम्स रिटर्न अनडिफाइंड।
अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। रिटर्न, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो जाना होगा ना, तो एक्शन एक्शन डॉट टाइप, सॉरी यहाँ पे तो हम लोगों को ट्रिपल ये देना होगा ना, ताकि ये टाइप भी चेक कर रहे हैं ना, तो इसको सेव कर रहे देंगे। सेव करने के बाद अभी हम लोग अपना स्टेट चेक करेंगे। ये देखो स्टेट भी चेंज हो रहा है, और ये जो इसके लिए जो था पहले नाम के लिए वो भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग सीख गए हैं कैसे मल्टीपल रिड्यूसर का यूज़ कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल एक्शन क्रिएटर यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे कॉम्बाइन कर सकते हैं। तो रिडक्स में ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ कवर हो गया। अगर कुछ, हाँ कुछ हुक्स पुक्स है, लेकिन वो बाद में, थोड़ा बाद में। तो लेकिन इतना भी करने से बहुत कुछ अब सीख गया हो। थोड़ा बहुत रिडक्स तो थोड़ा बहुत तो पेचीदा है रिडक्स, लेकिन ऐसा बात नहीं कि सीख नहीं सकते हो। जैसे दो एक दो बार कर लोगे तो आराम से इसको आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट कोई अगले टॉपिक में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।